हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे घर में आप इंजन के जो हेड हैं, तो क्रोम पार्ट है, उसको कैसे शाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख ही रहे हो कितना डल है कलर, कितना बेकार लग रहा है एक्चुअल में। इसको बहुत टाइम से मैंने इसको क्लीन नहीं किया है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें सो दैट कि आपको आइडिया हो कि कैसे आप इसको घर में कर सकते हैं इजीली। ठीक है, विद इन हाफ एन आवर में आप पूरा अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये मैंने बफ के लिए बनाया हुआ है, इसको अच्छे से बफ पॉलिश करने वाला हूँ मैं। तो ये मैंने एक बोल्ट में कपड़े को राउंड राउंड कट करके मैंने ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, जिसको मैं ड्रिल मशीन लगाकर ऊपर बफ करने वाला हूँ, जिससे कि जब मैं पॉलिश अप्लाई करूँ उसके बाद अच्छे से जितनी भी डस्ट है वो पूरी निकल जाए, ऊपर में जितनी भी लेयर है जो एकदम जम चुकी है इंजन के हेड पे, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने कि मैंने ये ड्रिल मशीन में लगाया हुआ है। एंड इसको बोलते हैं देसी जुगाड़। तो ये देसी जुगाड़ में लगाया हुआ है। एंड मेटल पॉलिश अभी मैं पूरे इंजन पे लगाऊंगा एंड जितने भी क्रोम पार्ट है उस पे लगाऊंगा एंड उसको अच्छे से पॉलिश करने वाला हूँ। ये जो प्रोसेस है, अगर आप टाइम लेंगे तो 15 मिनट एक साइड का, 15 मिनट दूसरे साइड का, मतलब पहले आपको लगा के अप्लाई करके कम से कम 10 मिनट तक छोड़ना है। ठीक है, दोनों तरफ लगाइए, फिर 10 मिनट तक करिए, कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए एंड अच्छे से उसको रखिए लगाकर, सो देट कि वो अच्छे से जितने भी डस्ट है वो पुफ होके वहाँ से वो फूल जाए। जब आप उसको बफ करें, जब आप उसको कपड़े से, हार्ड कपड़े से रब करें तो वो इजीली निकल जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं उस पर अच्छे से उसको लगा कर रहा हूँ, हर एक एरिया पे, हर एक पार्ट पे मैंने उसको लगाया हुआ है, तो कोई पार्ट मिस ना करें। ठीक है, सो देट कि एक बार काम ख़त्म हो जाए तो हो ही जाए, बट इसका रिजल्ट सही में बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगा कैसा लाइव होगा। तो मैंने पहले लेफ्ट साइड लगाया था, अभी राइट साइड लगा रहा हूँ, दोनों तरफ अच्छे से, मतलब आप देख रहे हैं, आपको मेरी क्वांटिटी देख रहे होंगे, क्वांटिटी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, एंड जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि 75 ग्राम्स का ऑटो शोल का जो मेटल पॉलिश था एंड वो जो है कम से कम आपका 4 से 5 बार यूज हो सकता है। ठीक है, अगर आप सही क्वांटिटी में उसको अप्लाई करें, यूज़ करें तो अभी मैं चालू करने वाला हूँ कैसे उसको बफ करते हैं। तो देख सकते हैं आप, शाइनिंग स्टार्टिंग से ही आनी शुरू हो गई है। अब देख सकते हैं मैं पॉलिश सिर्फ बफ करना शुरू कर दिया मैंने। मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्टली चला रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी थी, कम से कम 20 मिनट की, तो मैं नहीं चाहता था आप लोग बोर हो, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश की है। मैंने उसको थोड़ा फास्ट किया हुआ है, वरना ये जो मशीन है बहुत स्लोली चल रही थी। तो आप देख रहे हैं शाइनिंग कितनी अच्छी आ रही है। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बार किया है, इसको एक्चुअली 2 बार करते हैं, बट मैंने अभी एक ही बार किया है बिकॉज इसका वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए। इसको अगर 2 बार प्रोसेस करेंगे तो शाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएंगे एंड लॉन्ग टर्म रहती है। एंड इसको आप कम से कम 2 से 3 महीने तक भूल जाइए, आपको दोबारा इसको बफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है, 6 मंथ में अगर आप करते हैं तो अच्छा रहता है, मतलब उससे कोई इश्यू नहीं आता। एंड द थिंग इज, इसको यूज़ करने के बाद आपको कई बार क्या पता है कलर डल हो जाता है, तो वो इश्यूज़ भी नहीं होते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट एंड आप बिंदास इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ी में। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ईजिली इसको बफ कर रहा हूँ। अगर आप ये मार्केट में कराने जाएँ तो कितना कॉस्ट लगेगा मार्केट में, अगर आप दोनों हेड के इंजन के दोनों हेड को अगर आप बफ कराते हैं तो कम से कम आपका 2 to 3,000 तक का खर्चा ईजिली आ जाता है। बिकॉज वो क्या करते हैं, वो पूरा हेड को पहले फ्लश करेंगे ऑल ऑयल को, देन उसके बाद हेड्स निकालेंगे, देन उसके बाद वो बफ और पॉलिश उस पर करते हैं, तो वो ज़्यादा कॉस्टली ऑप्शन है। एंड ये जो मैंने जुगाड़ बनाया हुआ, देसी जुगाड़ जो बनाया हुआ है, वो हार्डली हम कह सकते हैं कि अगर पॉलिश का भी रेट ले लूँ तो 250 रुपये तक का मैं एक्सपेंस ले सकता हूँ। मैक्सिमम 250 रुपये के अंदर मैंने ये काम किया हुआ है, तो 250 रुपये एक्चुअली यूटिलाइज भी नहीं हुआ है क्योंकि मैंने जो पॉलिश यूज़ किया हुआ है वो हार्डली मतलब आप मानिए 30 रुपये का कह सकते हैं, 30 से 40 रुपये का हम कह सकते हैं। तो ये वन टाइम 30 to 40 रुपीज़ के आसपास का बफ हुआ है, विच इज़ एक्चुअली गुड, बहुत अच्छी बात है। एंड मैंने जब दोनों तरफ इसको पॉलिश हो किया तो अगर आप शाइनिंग देखेंगे तो सच में ही अच्छी है।
तो आप इस वीडियो को आखिर देखिए और देखिए कैसा रिजल्ट आया हुआ है।